subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary. And in this video I will discuss about the इफेक्ट ऑफ सब्सटिट्यूएंट्स इन द बेंजीन रिंग. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी सब्सटिट्यूएंट्स आपकी बेंजीन रिंग में प्रेजेंस हैं उनके क्या इफेक्ट हैं उस रिंग पे. तो ये जो टॉपिक है, अगर फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो थर्ड सेमेस्टर के जो यूनिट 1 है उसका पार्ट सी है आपका सब्सटिट्यूएंट्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बेंजीन रिंग. तो पहले समझ लेते हैं कि टॉपिक है क्या, हम किस बारे में बात करेंगे. तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है आपके बेंजीन का, उसमें तीन मेन रिएक्शंस होते हैं. पहला होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होता है आपका एडिशन रिएक्शन, एक होता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द मेन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन. तो उसमें क्या होता है, आपका जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो इस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और ये सब्स्टिट्यूट होगा विद द हाइड्रोजन, मतलब इसके साथ में वो एक्सचेंज होगा और अल्टीमेटली ये इसको रिप्लेस करके आपका एस यहाँ पे बाइंड अप होगा. अब ये जो रिंग है वो कम्प्लीटली बेंजीन रिंग तो है ही, उसके अलावा इसमें एक एडिशनली एक और फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया है जो कि एक तरीके से सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इस बेंजीन रिंग का. अब जाहिर सी बात है, इस जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि यहाँ पे बाइंड अप हुआ है उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा आपके इस बेंजीन रिंग पे. तो क्या इफेक्ट होगा, जैसे कि सपोज इस रिएक्शन के बाद अगर कोई और दूसरा रिएक्शन, दूसरा जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल है सपोज, ये आगे इस पे रिएक्शन होना चाह रहा होगा, तो जाहिर सी बात है ये रिएक्शन कॉमन तो होगा नहीं क्योंकि अब बेंजीन नहीं रहा. अब इस सब्स्टिट्यूएंट्स का अभी है क्या, चाहे आपके मिथाइल होगा, नाइट्रो होगा, सल्फोनिक एसिड होगा, आपके या एसिड होगा, या फिर आपके मिथाइल होगा, हेलोजन हो सकता है, या एमिन हो सकता है, या फिर आपके हाइड्रोक्सी हो सकता है. तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि एक सब्सटेंस की तरह काम करते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा. तो या तो दो तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं. पहला है आपके डायरेक्शन, मतलब अब इस बेंजीन के पास पांच पोजीशन है, ये आपका 1 है तो ये 2, 3, 4, 5, 6, मतलब दो आर्थो पोजीशन है, दो मेटा है और एक पैरा है. मतलब जो आपके 2 और 6 एक तरीके से आर्थो है, ठीक है, और 3 और 5 जो हैं आपके मेटा है, और आपके 4 पोजीशन जो है आपके पैरा है. तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि इसमें प्रेजेंस हैं पहले से, वो डिसाइड करेंगे, वो डायरेक्ट करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है जो नया ऐड होने वाला है वो या तो आर्थो पे ऐड हो, या पैरा पे हो, या मेटा पे हो. सेकेंड है इसकी रिएक्टिविटी. अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है जो कि ऐड हो चुका है वो इस बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको इंटरफेयर कर सकता है, या तो बढ़ा सकता है या कम कर सकता है. तो उसके बेस पे जो है इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को कम करेगा या बढ़ाएगा, मतलब जो भी रिएक्शंस होगा उस रिएक्शन को फास्ट करेगा या स्लो करेगा. अल्टीमेटली जो रिएक्टिविटी है या तो वो कम करेगा और इंक्रीज करेगा. तो इस टॉपिक में हम आज बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों आ सकते हैं और दो पार्ट में है ये आपका टॉपिक. पहला आपका डायरेक्शनल इफेक्ट, सेकंड आपका रिएक्टिविटी इफेक्ट. सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और द बेंजीन, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक. सो नाउ लेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक. सो आप समझ गए हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं आज के वीडियो पे. हम बात कर रहे हैं कि आपके जो इलेक्ट्रोफाइल है जो कि, या सब्सटिट्यूएंट्स हैं जो कि बेंजीन रिंग पे प्रेजेंस हैं, उनका क्या इफेक्ट है उस बेंजीन रिंग पे, क्या उसकी एक्टिविटी को कम करेगा या बढ़ाएगा, या फिर जो सेकेंड सब्सटिट्यूएंट्स हैं उसके लिए कौन सा डायरेक्शनल यूज़ कर रहा है, कौन सा जो पोजिशन है उसको वो बाइंड अप के लिए अलो कर रहा है, आपके मेटा पे, पैरा पे, या फिर आपके ऑर्थो पे. तो उसी के बारे में बात करते हैं. तो पहला है आपका डायरेक्शनल इफेक्ट और डायरेक्टिव इफेक्ट. तो पहला हम बात करते हैं डायरेक्टिव इफेक्ट की, मींस जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उस सेकंड के लिए डायरेक्शन प्रोड्यूस करेगा, डायरेक्शन शो करेगा कि वो मेटा पे, पैरा पे, या फिर आर्थो पे बाइंड अप हो. अगर हम रैंडमली बात करें, अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पे जो है आर्थो की दो पोजिशन हैं, एक है टू और सिक्स. तो 2 और 6 पोजिशन पे हैं आपके आर्थो. इसका मतलब क्या हुआ कि उन 5 पोजीशन में 2 पोजीशन पे आपके अर्थो बाइंड अप कर सकता है, मतलब 2/5, मतलब कितना, लगभग 40%.
तो 40% चांस होगा या 40% जो है आपके ऑर्थो प्रोडक्ट बन सकते हैं। सिमिलरली जो मेटा है वो है आपके 3 और 5, तो उसके भी 2 हैं और कुल 5 पोजिशन हैं, तो अल्टीमेटली ये भी आपका 3 और 5 आपके मेटा। ये भी कितना है 40% है। बात करें हम पैरा की, तो पैरा के लिए जो केवल 4 पोजीशन है वो आपके यूनिक होते हैं, इसलिए उस पर जो है केवल एक ही पॉसिबल ही है पैरा 20%। तो ये उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अगर आप ऑर्थो पैरा मेटा के पोजीशन को समझ नहीं पा रहे हैं तो हम इसको एक्चुअल में बना देते हैं कि किस तरीके से ये हो सकता है। जैसे कि बात करें हम लोग पहले ऑर्थो की, तो ये हो गया आपका ऑर्थो, तो ये हो गया आपका आर्थो पोजीशन 1 2 1, या ये आपका 1 हो गया पहला वाला, सेकेंड वाला क्या है 2 या फिर 4 3 4 5 6, 2 और 6 पे हैं आर्थो हम बोलते हैं। सेकेंड आपका मेटा, ये हो गया आपका मेटा पोजीशन, मीन्स 3 पे और आपके 5 पे, ठीक है। लेकिन नंबर जब हम करते हैं तो हमेशा जो ये पोजीशन है इसको हम 2 ही लिखते हैं, या फिर इधर से 1 2 करें या फिर उधर से 1 2 करें, तो जो 2 पोजीशन वो आर्थो के लिए है, चाहे वो इधर पे हो या इधर पे हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पैरा की ओर, ये हो गया आपके पैरा पोजीशन, ठीक है। तो अब ये तो केवल एक थ्योरेटिकली है, ये एक्चुअल नहीं है कि ये इतना ही बाइंड अप होगा, मतलब कुछ सब्सटिट्यूएंट्स हैं जो कि केवल ऑर्थो या पैरा के लिए डाइट करते हैं, और कुछ जो सब्सटिट्यूएंट्स हैं वो केवल मेटा के लिए डाइट करते हैं। अब बात करते हैं हम उनके बारे में, मीन्स मेटा डायरेक्टर और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर के बारे में। तो अब आते हैं हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की ओर, मतलब ऐसे सब्सटिट्यूएंट्स, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल है उसको केवल ऑर्थो और ऑर्थो पे या फिर आपके पैरा पे ही डायरेक्ट करेगा बाइंड अप होने के लिए, वो मेटा पे नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल की बात करें हम लोग, जैसे कि हम बात कर रहे हैं फिनॉल के, तो अगर हम फिनॉल का नाइट्रेशन कराएंगे, ये हो गया फिनॉल, अगर हम फिनॉल को नाइट्रेशन कराएंगे, मीन्स हम नाइट्रेशन कराएंगे इस पर, जाहिर से बात है क्या होगा NO2+ इस पर ऐड होगा, या आपकी इलेक्ट्रोफाइल है NO2, ये फर्स्ट आपके सब्सटिट्यूएंट्स हैं, ये सेकेंड सब्सटिट्यूएंट्स हैं। तो इस केस में जो है हमने ये देखा कि जो रिएक्शन प्रोडक्ट है तो उसमें केवल 2 ही बने प्रोडक्ट बने, एक है आपका आर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो जो पैरा नाइट्रोफिनॉल का जो आपका जो वो है वो बना आपकी पॉसिबिलिटी 47% बना, और 53% बना आपका आर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका मतलब इस पे जो है मेटा पे कोई भी डायरेक्ट नहीं करता, मेटा पे जो है रिएक्ट नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे एग्जांपल हैं, कौन कौन से ऐसे ऐसे जो सब्सटिट्यूएंट्स हैं जो कि आर्थो और पैरा को डाइट करते हैं। तो उनमें से पहला हमने बड़ी बात कर चुके हैं, वो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल ग्रुप में ले सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो ये आपके एग्जांपल हैं आपके पैरा आर्थो डायरेक्टर के, जिसमें आपके हेलोजन्स हैं जिसको बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा, आपका हाइड्रोक्सी है जो फिनॉल बनेगा, आपका एल्कोक्सी है जिसमें आपके मिथॉक्सी बेंजीन या इथॉक्सी बेंजीन बन सकता है, आपके एमीन है जिसमें आपके एनिलीन बन सकता है, आपके मिथाइल ग्रुप है जिसमें आपका मिथाइल बेंजीन मतलब टॉलिन बन सकता है। तो ये जितने भी आपके जो सल्फेट सब्सटिट्यूएंट्स हैं या जो कंपाउंड्स हैं या फंक्शनल ग्रुप हैं, वो एक तरीके से जो हैं प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। अब ये क्या है प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, मतलब ऐसे ग्रुप या ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं आपके रिंग को ताकि वो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ सके। अभी होता कैसे है, क्यों ये केवल आपके ऑर्थो और मेटा पे ही पोजिशन शो करता है आपके नया एडिशन के लिए, उसके बारे में जो बेसिक स्टेप्स हैं या बेसिक जो मैकेनिज्म हैं या फिर उसकी रेजोनेंस थ्योरी है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं इस पोर्शन को, फिर हम इसको मिटाएंगे। तो ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है आपके फिनॉल का,
जो इस आपके ऑक्सीजन है उस पर दो लोन पेयर होते हैं। तो जब होता क्या है, ये जो लोन पेयर हैं मतलब जितने भी इसमें आपके ग्रुप हैं उनके पास लोन पेयर होगा, इसमें आपके लोन पेयर होंगे, इस पे होंगे, इस पे होंगे, इस पे आपके दो होंगे, इस पे तीन होंगे, आपके इसमें एक होंगे, तो हर पे कहीं ना कहीं लोन पेयर मौजूद हैं जो कि इस रिंग को दे सकें। अल्टीमेटली जब ये आपके जो लोन पेयर है इस बॉन्ड को देगा तो ये जो जो बॉन्ड है वो वापस आपके शिफ्ट होगा इसकी ओर। तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो इस तरीके से पहला होगा आपका रेजोनेंस इफेक्ट, ये आपके बॉन्ड यहाँ देगा तो अल्टीमेटली जो है यहाँ पे दे देगा आपके इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे होगा आपका लोन पेयर स्ट्रा जाएगा और इस तरीके से होगा। फिर सेकंड शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये जो आपके आपके ग्रुप है वो वापस यहाँ पे दे देंगे और ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से ठीक है, यहाँ पे हुआ लोन पेयर, फिर यहाँ पे आ गया। अब जो है ये जो लोन पेयर है फिर वापस इस रिंग को दे देगा और ये जो है वापस आपके इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा नेक्स्ट प्रोडक्ट तरीके से, अल्टीमेटली तीन जगह पे इसमें लोन पेयर की पॉसिबिलिटीज है, एक आपका यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए ये कौन सा पोजिशन है, ये आपके आर्थो पोजिशन है, ये दोनों ये आपके पैरा पोजिशन पे है। इसीलिए क्योंकि अब जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा आपका, इस तरीके से। तो अल्टीमेटली हम देख सकते हैं कि आपके ऑर्थो पोजीशन पे और आपके पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हाई है, और जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल जो है आपके न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करता है। तो एक तरीके से ये जो पोजीशन है वो बेहतर तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे, मीन्स इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाई होगा इसलिए जो ये जो हैं इस पे या फिर आपके इनमें अटैक करते हैं, और अल्टीमेटली ये आपके आर्थो या फिर पैरा पे ही बाइंड अप होते हैं जो नेक्स्ट आपके इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसलिए ये जो कंपाउंड्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन दे सकता है इस रिंग को, वो अल्टीमेटली आपके आर्थो या पैरा डायरेक्टर होंगे। तो ये बेसिक आपके मैकेनिज्म है, थ्योरी हैं आपके आर्थो पैरा डायरेक्टर के। अब आते हैं हम लोग मेटा डायरेक्टर की ओर, आपको नोट करना है तो प्लीज़ टेक स्क्रीन शॉट। तो हम बात करें मेटा डायरेक्टर की ओर के बारे में, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप या ऐसे सब्सिट्यूएंट्स जो कि मेटा डायरेक्टर मेटा डायरेक्शन को फॉलो करेंगे या फिर जो सेकेंड आपके सब्सिट्यूएंट्स हैं उनको ये बोलेगा कि आप मेटा पोजीशन पे बाइंड अप हो। तो उसमें बेसिकली होता क्या, जैसे कि हमने देखा आपके नाइट्रो बेंजीन का नेटेशन करा के, तो उसमें हमने देखा कि तो अगर हम नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन कराएं तो ये आपके इलेक्ट्रोफाइल है, ये पहले से मौजूद है, तो जो प्रोडक्ट है वो 94% बनेगा आपका मेटा नाइट्रोबेंजीन बनेगा। इसका मतलब इसमें पैरा और अर्थो जो है बहुत ही पॉसिबिलिटी रेयर है, नहीं के बराबर है। तो ये क्यों हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल में कौन कौन से जो कंपाउंड्स हैं या फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि आपके मेटा डायरेक्टर हैं। तो पहले आप लिखिए वन बाई वन, तो ये आपके एग्जांपल हैं आपके मेटा डायरेक्टर के। पहला आपका नाइट्रो है, मींस नाइट्रोबेंजीन, आपके सल्फोनिक एसिड है, आपके साइनो है, साइनोबेंजीन या फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या फिर आपके बेंजोइक एसिड हो सकता है आपका COOH, उसके अलावा आपके एल्डिहाइड और कीटोन हो सकते हैं, आपके बेंजल्डिहाइड वगैरह, या फिर आपके जो अमोनिया है हो सकते हैं। और ये सारे जो ग्रुप हैं एक तरीके से नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचते हैं। इसलिए जो हैं इन पे जो हैं आपके मेटा डायरेक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं हम देखते हैं उसके जनरल मैकेनिज्म ऑफ द रेजोनेंस थ्योरी। ठीक है, तो ये आपके बेसिक है आपके नाइट्रोबेंजीन का। तो इसमें जो आपके ये जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट अप होंगे, शिफ्ट होने के कारण से यहाँ पे जो है आपके पॉजिटिव चार्ज होंगे। किस तरीके से हम देखते हैं, इस तरीके से
मीन्स यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, वैकेंट हो गया, और ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये बनेगा आपका रेजोनेंस। अब ये शिफ्ट क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा इस तरीके से। फिर आपका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, जो नेक्स्ट होगा आपका स्ट्रक्चर वो क्या होगा, आपके इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, अब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है इसमें शिफ्ट होगा, ठीक है, तो क्या होगा आपका जो वैकेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से। अल्टीमेटली आप देख रहे होंगे कि रेजोनेंस हाइब्रिड में जो स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन है, मतलब प्लस साइन है, मीन्स वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कम है, ठीक है। तो जो मेन आपके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, इस तरीके से, जैसा कि हमने देखा था ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर पे, कि आपके जो ऑर्थो पोजीशन हैं और आपके जो पैरा पोजीशन पे हैं उन पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो हाई थी, इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल है, जो नया इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने वाला है, वो आपके आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होंगे। लेकिन इस केस में जो हैं, जो आपके मेटा डायरेक्टर हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेंगे, अल्टीमेटली जो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो कम है, इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल नया ऐड होने वाला है वो जाहिर सी बात है ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है आपके, केवल मेटा पोजिशन पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, इसलिए ये जो है आपकी मेटा पोजिशन पर बाइंड अप होते हैं। सो दिस द बेसिक थ्योरीज अबाउट द मेटा डायरेक्शन रेजोनेंस थ्योरी। तो चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन या रिएक्टिविटी इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। सो टेक इट इन शॉर्ट नाउ, देन आई विल डिस्कस द रिएक्टिविटी इफेक्ट्स। अब आते हैं हम लोग रिएक्टिविटी इफेक्ट्स की, मींस जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो इस बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को या जो नया होगा आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उस रिएक्शन को फास्ट करेगा या स्लो करेगा, मींस इसकी रिएक्टिविटी को या तो कम करेगा या अधिक करेगा। अब होता क्या है, जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो आपके जो टॉलविन है, टॉलविन अगर हम टॉलविन पे हम लोग नाइट्रेशन कराएंगे, अगर हम नाइट्रेशन कराएंगे टॉलविन का, तो वो फास्टर, लगभग 25-30 टाइम्स मोर फास्टर होता है आपके बेंजीन से। लेकिन बेंजीन बात करें क्लोरो बेंजीन की, तो क्लोरो बेंजीन का जो रिएक्शन रेट है वो बेंजीन से लगभग 30 गुना कम होता है। तो उस वजह से हम बोल सकते हैं कि आपके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी मेजर रोल प्ले करते हैं आपके उनकी रिएक्टिविटी पे। तो पहले हम लिख लेते हैं उसको, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो हम बात कर रहे थे इसकी रिएक्टिविटी की। तो जैसे कि हमने कहा कि टॉलविन का जो रिएक्टिविटी है आपके नाइट्रेशन प्रोसेस के लिए, जो कि एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसमें इसका जो रिएक्शन रेट है वो फास्टर होगा आपके बेंजीन से लगभग 25 टाइम्स। जबकि जो क्लोरो बेंजीन है उसका रिएक्शन रेट आपका स्लो होगा बेंजीन से अप्रोक्सीमेटली 30 टाइम्स। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इसमें कंपाउंड्स हैं, जो भी इसमें फंक्शनल ग्रुप हैं, जो आपके एलिमेंट्स हैं, चाहे वो CH3 हो, NH2 हो, जो भी हो, वो कहीं ना कहीं इसके रिएक्शन रेट्स को भी अफेक्ट करते हैं। अगर कोई कंपाउंड या एलिमेंट जो हैं एक तरीके से रिएक्शन रेट को कमी करेगा, मतलब वो डीएक्टिवेटिंग करेगा, तो उनको हम डीएक्टिवेटर बोल सकते हैं या फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं। और ऐसे एलिमेंट या ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स जो कि रिएक्शन रेट को फास्ट करेगा या एक्टिवेट करेगा, उसको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग थ्योरी की पहले। तो थ्योरी में सिंपल ही है, जो हमने देखा था उस थ्योरी पे सिमिलर हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, वही एक तरीके से इसमें एडअप होंगे। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप के बेस पे ही हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हैं इस रिंग को एक्टिवेट करेंगे या डीएक्टिवेट करेंगे। जैसे कि जान रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, जैसे सपोज बात करें हम लोग बेंजीन रिंग की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक है वो आपके बेंजीन में जो रिंग में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उस पे अटैक होता है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो डेंसिटी है वो हाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन हाई होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं जो भी आपके आर्थो और पैरा,
अर्थोपेरा डाइट्रा वाले जो ग्रुप हैं या उन एलिमेंट हैं, चाहे आपके हाइड्रोक्सिल हो, आपके जो एमीन्स हों, आपके एनएच टू हों, आपके जो मिथाइल हों, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोजिशन पर जो है आपके एक तरीके से हाई होती है, मतलब वो इजिली अटैक कर सकता है आपके इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन बात करें हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रूम की, जैसे कि आपका कीटोन हो गया, आपका नाइट्रो हो गया, आपका सल्फोनिक एसिड हो गया, तो उनके केस में जो है इस रिंग पे जो है आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होता है, उसमें माइनस होता है, माइनस माइनस में होते हैं, इसमें प्लस होते हैं। इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होता है, अल्टीमेटली ये बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को कम करेंगे, तो ये इसलिए जो है डीएक्टिवेटर है। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल का, कौन कौन से डीएक्टिवेटर हैं, कौन से आपके एक्टिवेटर हैं, तो चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, सो बहुत ही ईजी है ये। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के। जैसे हम जानते हैं कि जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप हैं वो आपके ऑर्थोपेराडाइटर होते हैं और आपके डाइटर होते हैं। तो जो भी ऑर्थोपेराडाइटर हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके इस बेंजीन रिंग को देंगे, इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इसमें अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है आपका बढ़ जाता है। तो इसलिए जो इनके जो रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, जो आपके ESR होंगे, वो फास्ट होते हैं। लेकिन जो मेरा डायरेक्टर हैं, जो ये ग्रुप हैं, वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इसलिए इनमें जो ESR है वो नहीं होता एक तरीके से। तो इनमें जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो शिफ्ट होगा इस तरफ, और इस पर जो डेंसिटी है कम होगा, और अल्टीमेटली जो ESR है मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो स्लो डाउन होगा। अब बात करते हैं इसकी, ये थोड़ा सा अपवाद है, एक्सेप्शन है, जो कि आपके हेलोजन्स हैं वो एक तरीके से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं जो आपके हेलोजन्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो हाई होती है, तो हाई होने की वजह से जो है वो कुछ अमाउंट पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो अपने ओर खींचते हैं। इसलिए बात करें हम लोग हेलोजन के केस में, तो हेलोजन के केस में ये हालांकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो है, बट ये हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होने की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर शिफ्ट करेगा, उससे स्लाइटली जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके बेंजीन रिंग पे थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसलिए एज कम्पेयर टू दिस ग्रुप ये बहुत ही स्लो रिएक्शन शो करते हैं, इसलिए ये बेंजीन से भी स्लो रिएक्शन करते हैं, इसलिए ये आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आते हैं ये दोनों। और ये आपके सबसे आपके हाईली है OH और OR, मीन्स आपके जो फिनॉल हैं या फिर आपके एल्कोक्सी ग्रुप हैं वो आपके हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, उन पे जो रिएक्शन रेट है वो हाई होगा, फास्ट होगा। जबकि आपके जो एमिन ग्रुप हैं या मिथाइल है, इथाइल है, या आगे वो भी एल्काइल ग्रुप हैं, उन पे थोड़ा सा स्लो रिएक्शन होगा, ठीक है, लेकिन बेंजीन से फास्ट होगा, इससे स्लो होगा, बेंजीन से फास्ट होगा। उसके बाद बेंजीन आएगा, बेंजीन के बाद जो है आपके जितने भी क्लोरो बेंजीन, फ्लोरो बेंजीन, हाइड्रो बेंजीन है, उनका रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होगा बेंजीन के कंपेरिजन पे। उनके बाद जो सबसे लीस्ट है, मतलब सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, वो होंगे आपके नाइट्रो बेंजीन, आपके बेंजल्डिहाइड, आपके जो कीटोन है, या फिर सल्फोनिक बेंजीन, सल्फिनिक एसिड है, साइनो बेंजीन है, बेंजोइक एसिड है, इनके जो रिएक्शन रेट है बहुत ही स्लो होगा या ना के बराबर होगा। इसलिए नाइट्रो बेंजीन के केस में जो है, अगर नाइट्रो बेंजीन हुआ तो उस केस में जो फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है वो पॉसिबिलिटी नहीं है, जो कि हमने ऑलरेडी बात किए थे। तो जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं उनके प्रेजेंस में बेंजीन की एक्टिविटी कम हो जाती है और उन पर ESR पॉसिबिलिटी नहीं होता। सो दीज आर द बेसिक थ्योरीज अबाउट द रिएक्टिविटी इफेक्ट्स। सो दीज आर द बेसिक इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेंजीन रिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोज। एंड इफ यू वॉन्ट टू नोट प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। इन लास्ट थैंक यू, कीप वॉचिंग।